रिपोर्टर्स हैं वो तो हर जगह पहुंच जाते हैं, ये रिपोर्टर भी कुछ कम नहीं है, ये चोरी करते हुए चोर का भी इंटरव्यू ले लेते हैं। देखिए इसका लाइव टेलीकास्ट, प्रेजेंटिंग रिपोर्टर उर्वशी इन एन इंटरव्यू विद चोर शकील। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मैं हूँ उर्वशी, फसाद की जड़। मैं गपशप टीवी से बोल रही हूँ और सिर्फ यहाँ आप लोगों के लिए आई हूँ एक खास इंटरव्यू करने, वो भी एक खास चोर के साथ। मैं तो आ गई हूँ, चोर कहाँ रह गया? लगता है उसकी बेल नहीं हुई है। हाय हाय अब्बा, 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 हाय अब्बा। आप ये जो गाना गाते गाते आ रहे थे ना, हाय ओ अब्बा, हाय ओ अब्बा, हाय ओ अब्बा, उसके असली बोल हैं हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा। एक्सक्यूज मी, इंग्लिश समझती हैं? जी मैं हिंदी में बात करता हूँ। वो जो गाना ना हाय ओ अब्बा, उसी रब्बा के पास मेरा अब्बा है, तो डायरेक्ट बातचीत चल रही है। लगता है आपने जरूर कोई चोरी की होगी और आपको पुलिस ने बहुत मारा होगा। मारा पुलिस ने, ये चोरी पे नहीं मारा है। तो फिर आप हमें वजह बताएं कि आपको पुलिस ने क्यों मारा। मैं पागल तो नहीं है, पुलिस को कोई वजह चाहिए होता मारने के लिए? वो तो बिला वजह सबाब समझ के मारते हैं वो तो। जी जी, पहले 1.5 घंटा मारते हैं, फिर साहब से पूछे साहब कसूर तो बताओ, हम तो मार मार के थक गए। फिर साहब कसूर बताता है, फिर 3 घंटे और मारते हैं। कहते तो वो टेलर था, फिल्म अब चल रही है बेटा। जितने भी जूते वो पहन के आते ना पुलिस वाले, उसकी सारी रनिंग मेरे पे पूरी की उन्होंने। कुछ देख रही, एक तरफ एक चश्मा बना दिया उन्होंने, मैंने कहा दूसरा बना दो, तेरे बोले तेरे बाप के नौकर अगली दफा आना। इतना मारा है, अब सिगरेट पी रहा हूँ ना तो धुआं मुंह से निकल रहा है, बताओ। धुआं तो मुंह से ही निकलेगा। हाँ जाहिर, उसको जगह नहीं मिलती है ना। बहुत हमारा, बताता हूँ हुआ क्या जी। मैं चोरी पे नहीं पिटा हूँ, मैं एक फंक्शन में चला गया। ओके। वहाँ एक महान कलाकारा थी, फिल्मों में गाती थी, वो गाना गाने आई, कहने लगी मैं आपको वो गाना सुनाएंगी जो बहुत हिट हुआ था, और मेरा बड़ा वाला बेटा मेरे पेट में था और गाना बहुत हिट हुआ था जी। फिर उसके बाद वो हुआ, दूसरा गाना गाने के लिए अब मैं वो सुनाऊंगी, वो भी बड़ा हिट हुआ था, मेरा छोटा बेटा पेट में था। तीसरा आई, मेरी बेटी पेट में ना चढ़ गया, मैंने कहा बहन कभी खाली पेट भी गा लिया कर। जी जी, बताओ इसमें कोई मारने वाली बात थी? मैंने तो सजेशन दी थी। जी देखिए, अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है, हाँ हम बैठ के भी बात कर सकते हैं। खबर आ, थाने से आने के बाद किसी को बैठने का नहीं कहना। क्या मतलब? अबे वो तशरीफ पे ही मारते हैं। खुदा की कसम, पहले ने एक ने आके तशरीफ पे मारा, मैंने कहा चलो गलती से लग गई होगी। कमीना फिर आए, फिर तशरीफ पे, मैंने कहा चलो वंस मोर गलती। तीसरी दफा आया, फिर वही, मैंने कहा अभी तेरा निशाना पक्का नहीं हो गया? जी जी। फिर गया, चौथी दफा फिर आया, फिर मारा, मैंने कहा यार तेरा तो दिल ही लग गया यहाँ पे। सुझा दिया है, लोग मुझसे कह रहे बहुत मुबारक हो, पीछे से मोटे हो रहे हो। जी अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने अपना पहला जुर्म कब किया? ये अच्छा सवाल है, दूसरा पूछो। चलो बता देता हूँ, पहला जुर्म मैंने जब किया जब मैं पैदा हुआ था। क्या मतलब? पैदा होती दाई की जेब काट ली। अच्छा। दाई ने पैसे भी नहीं लिए अम्मा से। क्यों? जैसे मैं पैदा हुआ ना, दाई मेरी तरफ देख रही थी, मैंने आंख मार दी, दाई शर्मा गई। अम्मा से, अम्मा ने पूछा भाई फीस बताओ, कहने छोड़ो ना सास से पैसे लेते हुए अच्छी लगूंगी। तो इसका मतलब है जब आपने अपना पहला जुर्म किया आप 2 मिनट के थे? एक्सक्यूज मी, उम्र सही बताओ। 2 मिनट 17 सेकंड। 2 मिनट में तो आंख खुली थी मेरी, 17 सेकंड में वारदात की थी मैंने। ओके। फिर बताइए, और बताइए मुझे, और बताइए कि आपने जेब काटना क्यों छोड़ दिया? बस ये भी एक वाकया है, हुआ ही हूँ। एक दफा एक आदमी खड़ा हुआ था, काला जी, काला समझती है ऐसा। अच्छा। सफेद पैंट शर्ट पहन के,
उसका बटवा झांक रहा था पीछे से काले रंग का जी, सफेद पैंट से जी। मेरे नजर पड़ी बटवे की नजर मुझ पे, हम दोनों की नजरें मिली, मेरे मुंह से पानी निकला, मैंने ब्लेड निकाला है, ब्लेड मैंने मारा बटवे पे जी, खून का फुवारा निकला है। एक मिनट, आपने कहा आपने बटवे पर ब्लेड मारा तो फिर खून कैसे निकला? बस वही गलती हो गई ना, मैं समझा बटवा है, बटवा नहीं था, उसकी पैंट फटी हुई तो कुछ और था वो। ये चोर साहब, ये न्यूज चैनल है, अभी अभी चोरी करके आ रहा हूँ घर से। कहाँ से बताइए? फारिग नहीं बैठता। हाँ। पीला घर है, काले रंग का दरवाजा है, नीला गेट है, छोटी छोटी खिड़कियां हैं, खुलती बाहर को अंदर से बंद हो जाती हैं। हीरे की हाथ चोरी करके ला रहा हूँ, पता नहीं घर का नंबर क्या है। मैं बताती हूँ, 417। क्यों? क्योंकि वो मेरा घर है, ठहरो अभी मैं पुलिस। अरे यही तो बताने आया था, मैं अंदर कूदा नहीं, वहाँ पड़ा तो तुम्हें देने आया हूँ भाई। आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है, तुम्हें पीछे देखती हूँ। थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट। आप खोलूं? उर्वशी एंड शकील, आप जानना चाहेंगे कि हमारे जजेस को आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? एक मिनट। नहीं ज्योति जी, प्लीज मुझे आपसे एक सवाल पूछना। आप लोग मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। नहीं, मैं तो एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, मैं इनफैक्ट इस छोर भाई से एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। प्लीज आज बताइए ना, श्रुति जी कैसी लग रही है इनके कपड़ों में? बोलने दो, ये जुर्म है। इन कपड़ों में आज तो कॉकटेल बनी हुई है ये। कॉकटेल कैसे बताइए? ऊपर से शरबत का गिलास, नीचे से लस्सी का गिलास। आराम आया। सतीश जी, मैं शकील मियां आपकी जो जुबान है ना, उसका लुत्फ उठा रहा था कि ये कौन से नए तरकश में से तीर निकाल के आप फेंक रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। एंड उर्वशी, एज इट इज यू आर द सपोर्टिंग आर्टिस्ट टुडे, अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें और ये सपोर्टिंग आर्टिस्ट बने। मैं कब से रुका, वही करने वाली हूँ, रुक जाइए। हाँ, अगले इंशाल्लाह आप अगले राउंड में जरूर दिखेंगे हमें। दिन आते हैं सर। फिर भी मैं आपको 8 दूंगा। उर्वशी, वाकई में मेरी शकील के चेहरे से नजर नहीं उठ रही थी, हालांकि मुझे लगा तुम लोगों ने इतना एक पीक पे ले गए हमें, वेर वी वर लाफिंग अनकंट्रोलेबली। उसके बाद एक वैली आई, काफी लंबी वैली आई, जहां से आप लोग अपने आप को बड़ी मुश्किल से उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो शकील मुझे वहां पर एक ड्रॉप जरूर लगा, बट उसके लिए दोज फ्यू मोमेंट्स दैट यू गेव अस जहां पर सांस लेना मुश्किल हो रहा था, आई विल Give you 9 points. शकील भाई, आपने कमाल किया भाई, माइंड ब्लोइंग। उर्वशी जी, थैंक यू सर, थोड़ी मेहनत आपको और करनी पड़ेगी है? कुछ पंचेस तो ऐसा उठा के मारा है आपने, सोच के बाहर। मैं 10 देता मगर 9 दे रहा हूँ। थैंक यू उर्वशी, थैंक यू। न्यूज और